नमस्कार ममता किचन रु आपण मानक स्वागत। आज आम पिज संडा और आलु भाजवा आपन तो बहुत प्रकार पिज संडार भजा खाई किंतु एमती थे भाजिक देखु एकदम झुरा झुरा हो पिज संडा रग भाया भी मौलबन खावाक भी बहुत टेस्ट लगे। आते चलतु देखा एमती पिज संडा भाजिकी देखते कत बढ़िया तेरे चलत आम आरंभ कर पिज संडा भजा तापाई मु कौन कौन सब रखी प्रथम देखीदे। प्रथम गोटे बिड़ा पिज संडा को प्रथम धोईदेकि गोटे गोटे इंच काटिकी रखी आटि सारापर आम धोबानी बहुत पा हो जाए आदम नरम हो जाए शाग भाया से प्रथम आगे भल भाव धोईकी काटिकी रखी आ गोटे आलु गोटे बड़ आलु मुझे काटिकी रखी एमती सैज करके मोटा मोटा से मु दि चमच बेसन भी रखी दुई चामच हम बेसन रखी छोट चमच टिके लंका गुंड जदि लंका गुंड आप राग न खाऊ ताको छाड़देवे हलदी टिके सोरिष जीरा गोटे सुखिला लंका टिके रसुण छेचा बा कटा जहाँ भी नहीं पारे आउ दी तीन टा कंचा लंका एमती मु काटिदेई लंबा लंबा कर मझीर आ सोरिष तेल आम यू भाजवा तेज चलत आम आरंभ करवा ये मुझे कड़े बसई कड़े भी गरम हो एकदम टिके तेल देखिए प्रथम पिज संडा टाक भाजीदेवि तेल भी गरम हो प्रथम पिज संडा टे हाल्का हल्का भाजीदेवि तापरे टिके खाली लुण दे दबा एकदम टिके लुण दे दबा कारण आम भाजला बेल लुण दबा से अल्प टिके लुण दे दबा एमती भाजवा द्वारा संधार जेतिक भी पानी थाए तो सेटा धीरे धीरे पानी आ पछर आ पानी हेबनी भजाटा आमती गोटा गोटा भी पिज संधा गुड़ा रही देखा भल लगे खाइबा को भल लगे ना एकदम शाग भाया पूरा नरम हो जाए से एमती भाजदे पिज संडाटा तीन मिनट खंडे भाजला नरम भी हो जाए पिज संडाटा पानी देवी जहाँ जितक भी मक्चर तेहरे अच्छी सब भी सुखी जामती करवा द्वारा भजाटा आम बहुत झुरा झुरा हम कसकस हेनी तेज ताक बाहर करदेव ये पिज संडाटा मुझे बाहर करदे कड़े देढ़ चामच मुझे तेल भी दे तो प्रथम आम ये जो सुखिला लंकाटा अच्छी से पकईदे खंड कर एपट सेपट लाल भाग दे सोरिष आउ जीरा अधा अधा चामच मुझे सेटा दे देदेबा भल भाव टे फुटा देवा ना भजा खाला भारी पिता लगी थाए तापर ये रसुण किसी छेचिकी रखी पकईदे एर पिज भी देपारे कि पिज थंडा मुझे भाजी से पिज देनी टे कंचा लंका देवे कंचा लंकार फ्लेवर ये बहुत बढ़िया आए कंचा लंका देलापर आम आलुटा भी पकईदे देहरे आलुटा पकई सारापर ताको भल भाव गोड़े बस तेल लगे कम तेल हो जाए कि स्टीम करके आलुटा ढाँकी ढाँकी आमको सीझा पड़ो से आम हलदी देद भजार जी लुण दरकार टेस्ट अनुसार आम से लुण भी देद भल भाव गोड़ेद ये मु आलुटा ढांकी आपण एकदम सीम भी करदे जमा हाई करें सीम्रे आम आलुटा भल भाव सीझे आ मझे मझे आपत काढ़ी काढ़ी चलाउे जहाद्वारा कि आलुटा सीझीज ढांकी देवा पुणी
पुणी आमे 2 मिनिट परे खोली की देखिबा एमती एकदम स्टीम रे भाजुची यदि आपन को लागिला आउटा सिझिबार डेरी होची ताले 2 चम्मच खंडे पानी देबे बेसी नै 2 चम्मच तापर पुणी आमे ढांकी देबा पुणी 2 मिनिट ढांकी देबा आउटा सिझिला पर्यंत भलो आबरे चलत पुणी 2 मिनिट पर खोलिक देखा आ गैस फ्लेम मुझे एकदम सीम्रे ही रखी सीम्रे ही पूरा भजाटा करेंगे देखिए गैस भी कम खर्च हम भजाटा भी बहुत टेस्टी हम धीरे धीरे भजाटा तैयारी करेंगे तो ये आलुटा पूरा सीझी जा लंका गुंड देदेवि जदि आपे लंका गुंड देते जदि न खाऊ ताहले देबेनी आ कंचा लंका मध्ये कम देबे राग जे न खाउथिबे गोटे देले भी हबो तो मैं टिके स्पाइसी करी से मुझे लंका गुंड दे देछि तापर एठी बेसन नेछि ओ बेसन 2 चम्मच दे देबी बेसी देवेनि आप भजा देखिक देवे मुझे पिज सन्नाटे भी पकईदेवि से भल भाव आम गोलईद बढ़िया कि भाजीद देखु मु भल भाव बेसन सांगे आलु आज सन्ना गोलईदी पिज सन्ना तो एमती भी आम सीझी जाप टे बाकी सीझापी तो ये सीझीज आ भजाटे भी केमती झुरा झुरा होकर रही ना आपण मैंने आलु सांगे एका सांगे जब भाजबे तो बेले बेले एकदम शाग भाया पूरा एकदम नरम हो जाए आ बेसनटा भी धीरे धीरे कि सीझे कम आंचर तो आम 2-3 मिनिट एमती भाजवा देखिए भजाटा भल भाव हो बेसनटा भी भल भाव भाजी भजा सांगे लग रही तेज चलतु काढ़ भजाटा गोटे प्लेट प्याज संडा आलूर चटपटिया भजा तो मोर तैयारी आपण मानक रेसीपीट भल लगे तेल लाइक करूँ कमेंट करूँ आ सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को भी क्लिक कर दिंतु आहरी नुआ वीडियो देखापी तेज मुझे आसूची नमस्कार और थे आपको ट्राए करूँ मत कमेट्रे जनातु केमती लगे भजाटा।